तो हादसे का शिकार हुई बस के अंदर से हमारे संवाददाता ने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई हैं, क्योंकि वहां पर लोग जब उस बस के अंदर सवार थे, बहुत सारे लोगों का अलग अलग दावा है। स्थानीय विधायक का यह कहना है कि 80 लोग उस बस के अंदर सवार थे, लेकिन जिस तरीके से दूसरी तरफ ये बयान भी सामने आ रहे हैं कि उसके अंदर तय जो संख्या थी उससे कम ही लोग थे और इस मामले में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लेकिन ये कैसे हादसा होता है, क्या ये पूरी तस्वीरें होती हैं, हम आपको जरा एनिमेशन के जरिए भी दिखाएंगे कि कैसे ये पूरा ये हादसा होता है, कैसे वो बस अचानक से नीचे गिर जाती है। अब आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये बस चल रही है लेकिन अचानक से वो डिसबैलेंस होती है और वो पुल से नीचे आकर के गिर जाती है। अब आप ये देख रहे हैं 50 फीट नीचे गहराई में जाकर के वो बस गिरती है। अंदाजा लगाइए कि अब इतनी ऊंचाई से अगर बस गिर रही है तो क्या उस बस की हालत होगी और क्या उस बस के अंदर सवार लोगों की स्थिति उसके अंदर होगी। अब एक बार फिर से आपको जरा दिखाते हैं, ये बात देख रहे हैं, ये खरगोन में जिस तरीके से हादसा हुआ और उसमें दरअसल जब ये बस आ रही होती है तो अचानक से उसका बैलेंस खराब होता है या क्या कारण रहा है, ये जांच का विषय बना हुआ है और बकायदा इसीलिए जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ इसमें पुलिस जांच होगी बल्कि इसमें तकनीकी रूप से भी जांच करवाई जाएगी ताकि ये साफ हो पाए कि असल मायने में ये हादसा कैसे और क्यों हुआ है। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सड़क हादसा हुआ हो, इससे पहले भी जब सड़क हादसा हुआ तो उस वक्त भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर सड़क हादसों के पीछे की वजह क्या है, क्या तकनीकी रूप से कोई कारण है या फिर अक्षम जो बस ड्राइवर हैं उनकी वजह से यह हादसा हो रहा है या कोई और दूसरी वजह है। लेकिन अब इस हादसे के बाद से बार बार यही सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे का कारण असल मायने में है क्या, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि बार बार मध्य प्रदेश के अंदर सड़क हादसे होना यह चिंता का कारण बन चुके हैं। ये आप एक बार फिर से देखिए, कुछ इसी तरीके से इस पुल से होकर के ये बस गुजर रही थी, जा रही थी और रफ्तार भी ठीक ठाक इसमें बताई जा रही थी, लेकिन जैसे ही अचानक से इस बस का बैलेंस खराब होता है ये बस रेलिंग तोड़ करके सीधे नीचे आकर के गिरती है। और जैसे ही बस नीचे गिरती है, क्योंकि 50 फीट की गहराई में जाकर के जब ये बस गिरती है, अब आप ये देखिए कितनी ऊंचाई से बस गिरी है। हालांकि जैसे ही घटना होती है, ये हादसा होता है, उसके तुरंत बाद आप ये देखिए कि आसपास के लोगों की भीड़ भी वहां पर इकट्ठा हो जाती है और बस की स्थिति अब आप देखिए, बस आगे से, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं आप आगे की तरफ से पूरी खत्म हो चुकी है बस, बहुत ज्यादा नुकसान उस बस को आगे की तरफ से हुआ है क्योंकि आगे का हिस्सा पहले जो है जमीन पर आकर के गिरा था। इस पुल के नीचे आकर के बस जब गिरती है तो इसमें न सिर्फ बस को नुकसान पहुंचा बल्कि बस के अंदर जो सवार यात्री थे, उस वक्त कई लोग उसके अंदर सवार थे जो कि इस दौरान हादसे का शिकार होते हैं, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, कुछ इसमें गंभीर रूप से घायल हैं। जैसे कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसमें 11 लोग जो गंभीर रूप से घायल है उनको इंदौर रेफर कर दिया गया है, बल्कि दूसरी तरफ जो 20 से 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनका खरगोन में ही जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन हादसे के तुरंत बाद ही एक्शन में आता हुआ प्रशासन नजर आता है और सबसे पहले कोशिश यही की जाती है कि जो बस के अंदर मौजूद यात्री हैं, घायल लोग जो हैं, उनको सबसे पहले बाहर निकाला जा सके और उनको सबसे पहले प्राथमिक इलाज दिया जा सके ताकि जो घायल लोग हैं उनको सकुशल बचाया जा सके। लेकिन उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, कारण क्या है, उसके बाद यह समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल शुरुआत में सबसे पहले कोशिश यही थी कि प्रशासनिक अमला एक साथ जुट करके सभी घायलों को निकाल करके बस से आप उनको अस्पताल तक पहुंचा सके। और ये इसी से जुड़ी आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कितनी ऊंचाई से बस आकर के गिरती है और इसमें हादसे के अंदर क्योंकि 23 लोगों की मौत हो चुकी है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, हर कोई इस हादसे को लेकर के चिंता में है, परेशानी में है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया है। हालांकि राहत राशि का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार के लोग भी अब सकते में हैं क्योंकि उनको यह समझ नहीं आ रहा कि उनके परिवार के जो लोग हैं अपने घर निकले थे पहुंचने के लिए। आप मंत्री कमल पटेल क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। स्वस्थ करके घर भेजेंगे और अभी जितने लोगों से मिला हूं इसमें 2 लोग मुझे सीरियस लगे हैं, उनको अभी पूरा इनके सीटी स्कैन करा के और बाकी पर थोड़ा स्थिति रेफर भेजें। लेकिन लापरवाही है कि 35 सवारी थी बस थी और 67 सवारी उसके अंदर बैठी थी, तो प्रथम दृष्टया इसके अंदर आरटीओ की गलती है, लापरवाही चेक नहीं करते हैं, ओवरलोड बसें चलने देते हैं और इसलिए तत्काल प्रभाव से मैंने आरटीओ को निलंबित किया है और इसके जांच के मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए और जांच में जो जो भी दोषी होंगे, क्या क्या कमियां रही, क्या गड़बड़ियां रही, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके पूरे पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे। बिल्कुल देखिए मुझे जो लग रहा है कि एक तो ड्राइवर जो है वो बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहा था। अभी जो मेरे पेशेंट की बात हुई, उन्होंने कहा कि इसके आने का समय 8 बजे का था लेकिन आधे घंटे लेट आई, तो समय को मिलाने के लिए तेज गति से चला रहा था और उसके कारण ये दुर्घटना घटी। दूसरा ओवरलोड थी, ओवरलोड नहीं होना चाहिए, ये आरटीओ की जिम्मेदारी है।
वहाँ के जो रास्ते में पुलिस थाने पड़ते हैं, बस उसको उनकी जिम्मेदारी रोकना चाहिए अपने, विशेष करके आरटीओ के, और इसलिए प्रथम दृष्टया इसमें आरटीओ की गलती है, चेक नहीं करते हैं, फिटनेस नहीं देखते हैं, ड्राइवर के उसके चेकअप करना चाहिए कि वो नशे में है कि सामान्य, उन्हें हिदायत देना चाहिए कि इससे ज्यादा गति न चलाए। लेकिन जो जो घटना घटी उसमें खुद ड्राइवर भी घायल हुआ है, जो कहीं भर्ती है, यहाँ तो नहीं है, लेकिन इसके लिए भी उसके जो मापदंड है उसकी जांच करा लेंगे, अगर कहीं गड़बड़ होगी तो उसको ठीक करेंगे, और इसमें जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बस के इंश्योरेंस फिटनेस वो भी जांच करेंगे ना। लेकिन अभी तो देखो सीधा सीधा लापरवाही है कि बहुत बहुत तेज गति से बस थी और उसका नियंत्रण खो दिया, नियंत्रण खोने में एकदम ब्रेक लगाया होगा, मुझे जो लगता है एकदम ब्रेक लगाने, क्योंकि गाड़ी इधर जा रही है और सामने वाली रेलिंग से टकरा के कर रही है, तो एकदम ब्रेक लगा से गाड़ी पलटी और उसको अनकंट्रोल होकर गिरी नीचे, और इसलिए ड्राइवर की तो लापरवाही है, लेकिन इसमें आरटीओ की भी लापरवाही थी, उसके खिलाफ तत्काल प्रभाव से हमने सस्पेंड किया, निलंबित किया है और आगे भी कार्रवाई करेंगे, और घायलों को 50,000 सामान्य घायलों को 10,000 और जिनकी मृत्यु हुई उनके परिवार को 4,000,000 की हमने सहायता मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की और जांच के आदेश दिए, अब जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई करेंगे। तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, प्रभारी मंत्री कमल पटेल की तरफ से बताया गया है कि आरटीओ को सस्पेंड